होगा, खत जलाओगे तो लपटे उठेंगी ना। जब तूने मेरा आखिरी खत जलाया होगा, जब तूने फूल किताबों से निकाले होंगे, तुझे देने वाला याद तो आया होगा, तुझे देने वाला याद तो आया। अधिकारी तो मेरा आखिरी में यही है आप लोगों से कि आप लोग खुश रहें, सदा रहें। फिर चार लाइनें इसके बारे में बोलता हूँ आपको कि फूल सजते रहें आपकी राह में, फूल सजते रहें आपकी राह में, हंसी चमकती रहे आपकी निगाह में, हर कदम पर मिले खुशियों की बहार आपको दिल देता है यही दुआ बार बार, आपको दिल देता है यही दुआ बार बार आपको। थैंक यू वेरी मच, समय कम है। ओके थैंक यू। Sweet as always, your words express your unceasing love to department and students, sir. Thank you once again, sir. As you all know, our department has produced many gems, of one of which is the current M.Tech best topper, Ms. Ankita Dubey. She has cleared BARC OCES exam and expecting to join AMD under Department of Atomic Energy, Government of India. I request ma'am to please share her experiences. A very warm and pleasant good afternoon to respected chief guest, respected Chaurasia sir, Dean sir, Shandil sir, all the professors, assistant professors, guest faculty, and all my seniors, PhD scholars, seniors, and juniors, super juniors, a very warm and pleasant good afternoon to everyone. तो मैं यहाँ books वगैरह बता के मतलब bore नहीं करूँगी किसी को, थोड़ा सा life skills पर चर्चा करना चाहूँगी मैं, जैसे मतलब जो mistakes मैंने की होंगी अपने time पर आप लोग ना करें मैं ये कोशिश करूँगी। जैसे पहली है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने पहले सोचा था M.Tech का सिलेबस देख के कि ठीक है ये सिलेबस है, ये पढ़ लिया जाएगा तो बस फिर इसको रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना है, पर ऐसा नहीं है। ये शुरुआत है, ये सब्जेक्ट की नींव है जो रखी गई है और इसका अंत कहीं नहीं है, तो उसको पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है, छोड़ना नहीं। जैसे फर्स्ट सेम में अगर स्ट्रक्चरल पढ़ ली तो ऐसा नहीं है कि अब हो गई स्ट्रक्चरल, उसको सिक्स सेम तक और तब तक पढ़ना है जब तक कहीं पहुंच नहीं जाते आप, और उसके बाद भी पढ़ते रहना। कुछ अचीव करने के बाद कि उस चीज़ को मत छोड़िएगा जिससे आपने वो हासिल किया है। जियोलॉजी, आप जियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप कहीं पहुंच गए ना तो ऐसा नहीं कि जियोलॉजी भूल जाए, कंटिन्यू करना उसको। दूसरी चीज़ ये है कि क्लासरूम में रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, मतलब टीचर्स जो होते हैं ना वो हमको वो नींव बना देते हैं हमारे सब्जेक्ट की, हमको उसको आगे कैरी ऑन करना है। एक मूवी की तरह होता है, शुरुआत के इंटरवल तक हमें क्लासरूम में पता चल जाती हैं चीज़ें, आगे की मूवी हमें खुद बनानी है और उसके बाद क्लाइमैक्स हम डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैंने भी अपनी क्लास में देखा हुआ है कि कोई एग्ज़ाम आया तो सब एब्सेंट होना चालू हो जाते हैं कि अब पढ़ा जाएगा नहीं, एंड मोमेंट तक क्लास करो। ज्ञान जितना मिलता है, जहाँ से मिलता है, सब्जेक्ट का हो किसी दूसरी स्ट्रीम का हो, ज्ञान लेते रहना। बी अ गुड लिसनर एंड ट्राई टू बी अ गुड स्पीकर, ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सुनते रहो और स्पीकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा डेवलप करो, क्योंकि अगर यहाँ खड़े हो के आप बोल सकते हो ना तो आप कॉपी में लिख लोगे, क्योंकि यहाँ इंस्टेंट थॉट्स चाहिए आपको, वहाँ पे आपके पास टाइम रहेगा, कोई आपको जज नहीं कर रहा होगा, तो लिख तो आप लोगे, लेकिन जब आप यहाँ खड़े होते हो, यहाँ या इंटरव्यू में जाके खड़े होते हो ना, देयर यू डोंट हैव टाइम फॉर अ सेकेंड,
और उसी टाइम आपको ये भी सोचना है कि आपके अच्छे के लिए क्या है, आपके बुरे के लिए क्या है. फॉर एग्जाम्पल, वेन आई वॉज देयर इन बार्क इंटरव्यू, मुझसे पूछा गया था कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है. ऑनेस्टली मेरा फेवरेट इग्नियस पेट्रोलॉजी है, लेकिन उसके पहले मुझसे क्वेश्चन इग्नियस पेट्रोलॉजी का किया गया था और मुझसे वो बना नहीं था. तो देयर आई थॉट कि अगर मैंने इग्नियस पेट्रोलॉजी बोल दिया तो इट विल बी अ नेगेटिव इम्प्रेशन कि मैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट फेवरेट ब्रांच का क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रही हूँ. सो देयर आई थॉट कि हाँ, अब एक ही ब्रांच ऐसा है जिससे मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, दैट इज सेडिमेंटोलॉजी. सो आई जस्ट पिक दैट ब्रांच एंड सेड सर सेडिमेंटोलॉजी, क्योंकि उससे मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था और देन सर ने फिर आगे क्वेश्चन पूछा भी नहीं उस ब्रांच से. तो वो आपको सोचना होगा कि आप पर कहाँ नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ सकता है. तो इतना क्विक होना पड़ेगा आपको, अपने ब्रेन को इतना क्विक करना पड़ेगा. अनदर एग्जाम्पल, मुझसे मेरा हॉबी पूछा गया था. तो हॉबी ठीक है, आई लव कुकिंग, इट इज़ माई हॉबी, सिंगिंग इज़ माई हॉबी. एंड UPSC में आप सिंगिंग बोल सकते हो क्योंकि वो आपको गाने को बोल देंगे या कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन जब बार्क की बात आती है ना तो वो आपको सब्जेक्ट और स्ट्रीम से कहीं बाहर नहीं ले जाते. तो आपको चीज़ें ऐसी बोलनी पड़ेगी जो उनके फ़ायदे की हो. तो देयर दैट वॉज ऑल्सो इंस्टेंट कि मुझे ऐसा कुछ बोलना है जो उनको सुन के अच्छा लगे कि हाँ मेरे लिए ये काम का है. आई सेड ट्रैकिंग, आई हैव नेवर डन ट्रैकिंग, बट दैट इज द प्रोसेस कि आपको अपना दिमाग को इतना क्विक करना होगा कि आप कहाँ किसी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं.